जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक और रोचक वीडियो लेकर के आए हैं। आज से करीब 45 वर्ष पहले की एक सत्य घटना है। मकराना की एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और ऊपर की जो परतें थीं वह भी उतर रही थी। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठा करके कुछ काम से बाहर चले गए। वापस आकर के देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मार करके फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देख करके दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर करके नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक करके सहे जा रहा है। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसमें से एक निशानेबाज था। ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का वह धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं सर्प को ही खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए तो बच्चे को चोट लग जाए तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर नाग बैठा है। ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ इनकार करेगी? वह सहमत होगी और बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग गई तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा, सांप जख्मी होकर के गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है, उन्होंने उसको उठा करके बाड़ में फेंक दिया। रात हुई, वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली, मूर्छित सर्प सचेतन हो गया और आकर के ऊंट वाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंट वाला मारा हुआ था। देव योग से सर्प विद्या जानने वाला एक व्यक्ति वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहां बुला करके जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूं। यहां कोई 8-10 साल का निर्दोष बालक हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। मकराना गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने काटा है? वह बोला, हाँ। इस बेचारे को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला ना लूं? वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तुमने कुछ नहीं किया। बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले भी मैं मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपए लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है, ऐसी भद्दी योनि में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका करके उससे माफी ले रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुठ्ठियाँ फेंक फेंक करके वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी यह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला यह कौन होता है? मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा, मैंने इसका बदला लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानोगे? मेरी तो बैर लेने की योनि है और कुछ नहीं, ना सही।
मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपए देवे तो अभी इसका जहर खींच लो। उस बच्चे ने 3 जन्म पूर्व मैंने 500 रुपए लिए थे, 2 जन्म और बीत गए। किसी सज्जन ने 500 रुपए उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का विष वापस अपनी देह में गया। वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। यह बिल्कुल सत्य घटना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।